नमस्कार दोस्तों देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊंगा तो 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर आ चुका है मॉक टेस्ट कहेंगे तो 40 प्रश्न आपका यह है 27 को सॉरी सत्ताइस नंबर यह है मैंने कि छब्बीस जो हिंदी के और मूल संविधान के छब्बीस छब्बीस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं तो नहीं देखें, देखें, देखें। देख लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है अब दोस्तों उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है अप दोस्तों उपसर्ग है और किसके साथ हम प्रयुक्त करेंगे कि एक बढ़िया सा जो है जो है शब्द आपका बन जाएगा तो दोस्तों देखिए अप जो है अपराम होता नहीं है अपमान होता है अपमान बिल्कुल सही हो जाएगा अपजय और अपरण भी नहीं लगाएंगे अपमान अपमान बिल्कुल सही बन जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी मान के साथ लगाएंगे तो अपमान बन जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से दोस्तों कौन सा विकल्प अपकर्ष जो लिखा हुआ है अपकर्ष इसका विरुद्धार्थी मैंने विलोम दर्शाता है अपकर्ष का विलोम बताना है भैया तो अपकर्ष किसका विलोम होता है या किसका विलोम जो है अपकर्ष होता है तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है उत्कर्ष का भैया अपकर्ष होता है याद रखिएगा उल्टा है ये उत्कर्ष मैंने जो है बढ़ावा जब होगा मतलब कि कुछ उन्नति से रिलेटेड बढ़ा होगा उसको अपकर्ष मैंने जो घटता है तो ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे गौ गौ से गौ से दोस्तों जो है इसका सामान्य बहुवचन बताना है गौ से यानी कि गौ से मतलब इसका क्या बहुवचन कैसे बनाएंगे तो आपका हो जाएगा गौए से गौ से सॉरी गौ से हो जाएगा तो यहाँ पर बहुवचन बनाना था ठीक है तो यहाँ पर जब भी बात करेंगे संस्कृत की जो अकारांत तथा जो संस्कृत की आपकी जो हिंदी के सभी जो है उकरांत उकरांत अकारांत और अकारांत जो होता है इसको आ, बनाने के लिए दोस्तों लास्ट में जो है ओ करके ओ करके जोड़ देते हैं ठीक है यहां पर ओ करके जोड़ दिया तो वही यहां पर जोड़ा गया है बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा एक सेकेंड नेक्स्ट बात करेंगे निम्न वाक्य में से जो है त्रुटि का दोस्तों चयन करना है कहां पर जो है वाक्य में त्रुटि हुआ है जीवन और मरण विधाता के हाथ में है तो देखिए मरण की बात किया गया तो क्या लिखा जाता भैया जीवन मरण होता है मरण होता है जीवन मरण तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में ए में ही गलती है, 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 है. है रीतिकालीन कवि है कौन रीतिकालीन कवि हैं तो जो रीतिकालीन कवि भैया वो है भूषण भूषण दोस्तों यहाँ पर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र जो है रीतिकालीन यहाँ पर जो है कवि है इन्होंने श्रृंगार से दोस्तों हट करके वीरता और देश प्रेम पर दोस्तों कविता का जो है गौरव प्रदान किया है भूषण राइट आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन दोस्तों पद्मश्री प्राप्त कथाकार है कौन है यहाँ पर जो देखिए बोर्ड ने यहाँ पर थोड़ा सा गलत क्वेश्चन पूछ लिया था देखिए यहाँ पर उस समय 2017 की क्वेश्चन है ये तो 2017 दिसंबर में पूछा गया था ये सब क्वेश्चन तो उस समय दो मतलब जो यहाँ पर पद्म भूषण लिखना चाहिए था वैसे लेकिन दोस्तों यहां पर बात करेंगे तो देखिए पर पद्मश्री अगर अभी बात करें तो यहाँ पर इनको भी मिल चुका है उस समय जो बोर्ड ने आंसर माना था हरिशंकर परसाई और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र दोनों लोग को मिल चुका था यानी इनको जो है उन्नीस में मिला है ये विद्यानिवास जी को और इनको दोस्तों जो है उन्नीस में मिला है पद्मश्री अगर यहां पे पद्म भूषण पूछ लिया होता तो यहां पर दोस्तों पद्म भूषण सिर्फ जो है आपका विद्यासागर जी का आंसर होता तो यहां पर हो सकता था और 2018 में जब तक कॉपी अभी चेक हो रही थी 2018 में इनको मिल चुका था तो यहां पर बोर्ड ने जो है ये दोनों आंसर माना था ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए अब मजबूत इमारत के लिए क्या दोस्तों यहां पर मजबूत की जरूरत होती है तो मजबूत नींव की जरूरत होती है नींव सुने होंगे इमारत के लिए नींव तो न्यू किस में है भैया ईट कारीगर बुनियाद न्यू नहीं है बुनियाद है बुनियाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बुनियाद आप सुने होंगे इमारत का बुनियाद या फिर न्यू तो न्यू नहीं है यहाँ पर बुनियाद है तो बुनियाद बिल्कुल ठीक है जरूरत होती है ठीक उसी तरह उसी तरह सफलता के लिए दोस्तों के लिए भी साफ की जरूरत होती है किसकी नजरिए के दोस्तों जरूरत होती है तो यहाँ पर जो है बी रेड आंसर हो जाएगा नजरिए की दोस्तों यहाँ पर जो बी रेड आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से विधुर दोस्तों जो है विधुर दोस्तों जो है इसका स्त्रीलिंग बताना है तो विधवा का भैया विधुर हो जाता है और ये अगर पुलिंग है तो ये इसका विधवा जो है स्त्रीलिंग हो जाता है याद रखेंगे ए राइट आंसर पर हो जाएगा विधवा लड़का रहेगा तो विधुर उसको कहेंगे याद रखिएगा नेक्स्ट बात करेंगे निम्न वाक्यों में से एक वाक्य दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है यानी कि अशुद्ध है अशुद्ध वाला आपको दोस्तों यहां पर चुनना है तो ए में क्या बात किया गया है आप आप फल आहार से बनी सॉरी आप फल आहार से अपनी आत्रे जो है यहां पर साफ कर सकते हैं आते यहाँ पर लिखना चाहिए था ठीक है तो यहां पर देखिए दोस्तों जो आत्रे भी शायद यहां पर हिंदी में लिखा जाता होगा तो दोस्तों यहां पर जो है देखिए गलती क्या देखिए फल आहार यहां पर एक ही में लिख सकते थे देखिए आप फल आहार अलग अलग लिखा है तो इसको लिख सकते थे फल आहार तो दोस्तों यहाँ पर जो गलती है वो सिर्फ जो है ए में है बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है बाकी सब में भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमको जल्दी से आंसर दे दे उसी को यहाँ पर हमको आगे आगे भी हो सकता है ठीक है तो आगे देख लेते हैं मन बंदर की भांति जो है होता है सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग छलांग लिखा हुआ ठीक लगाता ये बिल्कुल ठीक है एकता का किला किला भी दोस्तों ठीक लिखा हुआ है सबसे सुरक्षित होता है बिल्कुल ठीक है हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व ये भी ठीक लिखा हुआ है तो दोस्तों यहां पर ए ही यहां पर गलत है ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से मंतव्य दोस्तों जो है इसका समानार्थी बताना है मंतव्य का दोस्तों समानार्थ मतलब समानार्थी बताना है तो समानार्थी इसका होता है सम्मति मंतव्य का मतलब होता है सम्मति तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर बी हो जाएगा सुमति कुमति एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये आप जानते ही हैं नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट जो है हिंदी न फारसी लाल जी की क्या तो ये आप कई बार सुने होंगे लोकोक्ति कि भैया बनारस के जो लोग होंगे खुश हो जाएंगे हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा ये लोकोक्ति है ऑप्शन नंबर ए हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी नेक्स्ट बात करेंगे निम्न वाक्यों में से दोस्तों एक जो वाक्य है व्याकरण की दृष्टि शुद्ध नहीं है यानी गलत वाला चुनना है ठीक है तो कभी कभी सिर्फ एक शब्द माने हम यहाँ पर एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे कभी कभी सिर्फ एक शब्द एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है बहुत ही बढ़िया बात कहा भी है और यहाँ पर अभी तक हमको कुछ गलती दिख नहीं रही है नेक्स्ट देखते हैं बी में कई बार हम कोई चीज से प्रे किसी चीज से प्रेरित होते हैं कोई चीज से थोड़ी प्रेरित होते हैं या फिर किसी विचार से हम प्रेरित होते हैं तो यहाँ पर इसी में गलती है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे निम्न वाक्यों में से दोस्तों एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है मैंने सही वाला आप आपको बताना है कौन सा सही है वो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है ठीक है तो चलिए आगे सबसे मतलब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए बहुत बढ़िया बात कर रहे हो सही भी है ये यही शुद्ध शायद होगा अब यहां पर देखते हैं कई सालों से कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं गलत आगे देखते हैं विश्वनाथ अपने परिवारियों परिवार जन ये सब होता है ये भी गलत गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई ये सब क्या है ये भी गलत तो ऑप्शन सिर्फ ए ही सही है नेक्स्ट बात करेंगे अनुशासन सफलता की क्या है भैया तो कुंजी है कई बार आप सुने होंगे सी यहाँ पर दे रखा है कुंजी अनुशासन सफलता की

उल्टा या फिर विलोम जो है दयालु विरुद्धार्थी नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से पंडित दोस्तों इसका स्त्रीलिंग इस कौन सा होगा पंडित का स्त्रीलिंग आपको बताना है पंडित का हो जाता भैया पंडिताइन पंडिताइन जी ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पंडित का पंडिताइन सी बिल्कुल सही है नेक्स्ट बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है मैंने कौन ये लिखा है निराला की जो है साहित्य साधना तो दोस्तों ये जो लिखा है ये लिखा है रामविलास शर्मा जी ने बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राम बिलास शर्मा जी ने और 1970 में दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसी कृति के लिए ठीक है 1970 में यहां पर बताया भी गया है तो निराला की साहित्य साधना याद रखेंगे राम बिलास शर्मा जी ने लिखा है नेक्स्ट बात करेंगे रीति का बहुवचन बताना था रीति का बहुवचन तो रीतियां होता है लेकिन रीतियां लिखा कई ठो में देखिए इसमें भी लिखा है इसमें भी लिखा है इसमें भी लिखा है ठीक से देखिए रीतियां कौन सा सही लिखा जाता है लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से रीतियां सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोनों में दोस्तों मतलब र में दोस्तों बड़ी की मात्रा और जो है तो तौ में छोटी की मात्रा होती है याद रखेंगे यहाँ पर वर्तनी में दे सकता है ये आपका ऐसे दिया भी है वर्तनी ही है नेक्स्ट बात करेंगे मैंने आम खा लिया है दोस्तों इसका काल पहचानना है कौन सा काल है वाक्य में प्रयुक्त आपको काल पहचानना है खा लिया है यानी काम दोस्तों क्या हो गया है पूरा हो गया है और दोस्तों आप सुने होंगे यहाँ पर लिया है ये लगा है यानी दोस्तों यहाँ पर जो है आपका क्या है मैंने आम खा लिया यानी आसन्न अभी ये अभी का खत्म हुआ होगा तभी ये कह रहा है ठीक है दोस्तों तो ये निकट कहेंगे कि भूतकाल में अभी सूचित हुआ है मैंने खा लिया है अभी बात कर रहा है कि मैंने ये खा लिया है

क्या होता है सुह्रद हृदय क्या कहते हैं सुह्रद कहते हैं उसको ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है मुहावरा इसके लिए बताना यह अर्थ बता दिया है कि प्रश्न करके परेशान करना अब इसका मतलब मतलब इसके लिए जो मुहावरा है खोपड़ी खाना खोपड़ी मत खाओ नहीं कहते हैं खोपड़ी मत खाओ यार तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बार बार जो क्वेश्चन पूछ, पूछ पूछ के परेशान करने वाला खोपड़ी खाना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां पर मुहावरा हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे बैताल पचीसी बैताल पचीसी जो है दोस्तों ये जो है किस विशेषण का यहां पर उदाहरण है कौन से विशेषण का दोस्तों इसमें उदाहरण है तो समुदाय वाचक बैताल पचीसी की बात हो रही है ना समुदाय वाचक यहां पर हो जाएगा दोस्तों ठीक है चलिए ये समुदाय का बोध करा रहा है नेक्स्ट बात करेंगे मैं छुपा मैं छुपाना जानता तो खालिस्तान है मुझे समझता अब ये लाइन अगर आप कहीं सुने रहेंगे तभी सही कर पाएंगे तो देखिए यहां पर लाइन क्या है भैया लाइन है कि मैं आ, मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता नहीं कोई लोग कहते हैं कि भैया हमारा सब कुछ तो ओपन है तो सब जानता है अगर हम छुपाना जानते तो लोग हमको साधु समझते वही बात यहां पर है तो सिर्फ ये लाइन आप सुने होंगे किसी से तभी या फिर पढ़े रहेंगे कहीं से तभी आप इसको फील कर सकते हैं क्योंकि आपको लगेगा कि कोई कोई आपका भरा जाएगा ठीक है? तो है लेकिन जो लाइन बहुत ही फेमस है वो आपकी यही है मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता डी आंसर यहां पर हो जाएगा रिक्त स्थान भरना था नेक्स्ट बात करेंगे धरती ने खिलाए हैं जो है ज्वलंत लाल लाल ये जो पंक्ति है मतलब पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानना है धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल देखिए जब दो बार एक ही चीज जो है खूबसूरती के लिए डाला जाता है तो यहां पर कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश ठीक है पुनरुक्ति भी हो रही है और याद करना भी आसान है पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर अलंकार हो जाएगा डी सॉरी यहाँ पर बी रेड आंसर यहाँ पर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है तो कई बार आप सुन चुके हैं विनय पत्रिका है सुन लीजिए सब जो है इनके जो भी कृति है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है विनय पत्रिका रामचरित मानस आप जानते हैं दोहावली कवितावली गीतावली जानकी मंगल पार्वती मंगल रामलला नहछू जो है और बरवय रामायण ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेक्स्ट बात करेंगे दिए हुए में से दोस्तों आपको क्या बताना है कौन सा विकल्प घड़िया गिनना का अर्थ दर्शाता है मैंने कौन सा इसमें से आपका मुहावरा है जो कि कह रहा है नहीं ये मुहावरा है उसका अर्थ दोस्तों कौन है तो देखिए घड़िया गिनना मुहावरे का जो अर्थ दर्शाएगा वो बहुत बेचैनी से इंतजार करना घड़िया गिन रहे हैं एकदम तुम्हारे लिए हम तो ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूपीएसआई के लिए काफी लड़के जो है घड़िया गिन रहे हैं यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट बात करेंगे चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है चादर का बहुवचन बनाना है तो चादरें हो जाएगा चादरें यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चादरें ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छोटा स्थान है जितना अखड़ है बड़ा उतना ही खाली स्थान है आपको यहाँ पर जो फिल करके बताना है रिक्त स्थान तो देखिए छोटा भाई सब पहले तो पता है कि भाई आपको यहाँ पर भरा ही जाएगा तो छोटा भाई जितना अक्खड़ है और बड़ा उतना ही क्या भद्र उपयोग में लाया जाता है ठीक है अक्खड़ और भद्र आप जानते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी रेड आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर पैराग्राफ दे रखा है या फिर कहेंगे गद्यांश दे रखा है उसमें दोस्तों यहाँ पर घर के बारे में घर के भेदी ये सभी चीज़ों के बारे में बात किया गया है लेकिन यहाँ पर पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या है घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है क्योंकि क्योंकि क्या होगा दोस्तों अब वह क्या करेगा वह घर के रहस्य को बाहर बता सकता है जैसे विभीषण विभीषण के साथ हुआ था न, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ये देखिए आपका यहाँ पर बताया गया है देख रहे हैं यहाँ पर घर के बाहर करना खतरनाक भी हो सकता है गुप्त रहस्य जो है बाहर बता सकता है वही है यहाँ पर रहस्य बाहर बता सकता है गुप्त बता सकता है उसके अनुसार आंसर करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे व्यापक का विलोम बताना है व्यापक का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा तो देखिए व्यापक मतलब होता है कि चारों तरफ फैला हुआ और मतलब कि सब पे यहाँ पर व्यापक तरह से काम कर रहा है तो इसके लिए संकुचित बिल्कुल उल्टा विलोम ठीक रहेगा संकुचित यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा विलोम की बात हो रही थी विरुद्धार्थी की नेक्स्ट बात करेंगे विकल्पों में से एक सेकेंड दो बार हो गया है क्या ये? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत करता है क्या करता है भैया देखिए एक तो भैया गुस्सा दिलाता होगा या तो प्रभावित करता होगा तो यहां पर प्रभावित बिल्कुल ठीक बैठ रहा है ठीक है उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है तो डी यहां पर रिक्त स्थान सही भरा जाएगा डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नीचे दिए गए दोस्तों विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द है अब देखिए माला के लिए भी एक ही शब्द लगाएंगे पराजय के लिए भी देखिए हार जो होता है ना हार इसके मतलब माला भी हो जाएगा और हार मतलब हम हार गए पराजय हो गए तो दोनों के लिए हार बिल्कुल ही ठीक है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे छाया है माथे पर आशीर्वाद सा इसमें आपको अलंकार बताना है पंक्ति में प्रयुक्त आपको अलंकार पहचानना है सा यहां पर है इससे पकड़ लिए होंगे जो है उपमा अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार यहां पर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट है हीरक सी सी से आप पकड़ लिए होंगे समीर माला जप दोस्तों इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है अलंकार कौन सा हो जाएगा सी से पकड़ लिए होंगे दोस्तों यहां पर जो डी राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार नेक्स्ट बात करेंगे नौ दो ग्यारह होना इस मुहावरे का अर्थ कौन कौन लोग नहीं जानता है भैया ऐसा भी कोई है जो नहीं जानता है नौ दो ग्यारह का मतलब मतलब भाग जाना होता है सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समनार्थी बताना है मनोहर का समनार्थी बहुत ही मनोहर दृश्य था बहुत ही मनोहर सुहावना होता है भैया सुहावना होता है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहावना होता है समान अर्थ देता है मनोहर सुहावना मौसम है मनोहर है नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से सही शब्द चुनना है इसमें से सही कौन सा लिखा हुआ है जिन लोगों को पता है भैया बता सकते हैं इसमें से सही कौन सा लिखा हुआ है आदर्श देखिए आदर्श जब उच्चारण करेंगे आदर्श तो द के बाद रहा रहा, तो जब र के ऊपर नहीं लेगा उसके बाद जो रहता है श है तो आदर्श बिल्कुल सी वाला ठीक लिखा हुआ है नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन ये है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है अब थोड़ा सा यहां पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को शिव कर देती हो तो यहाँ पर लगेगा कि भैया हो रहा है निंदा ठीक है क्यों टेढ़ी चलती हो दुष्टों को सिद्ध कर देती हो लेकिन यहाँ पर हो रही है स्तुति क्यों व्याज स्तुति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी देखिए शिव कर दे दुष्ट को भी भगवान शिव बना दे रहे हो मतलब अच्छा बना दे रहे हो शुद्ध कर दे रहे हो शिव मतलब होता है आनंद होना आनंदित करना या फिर आनंद बना देना या फिर कहेंगे कि पापहीन बना देना ये कर दे रही हो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझने का फिर है ब्याज ब्याज स्तुति और निंदा निंदा में निंदा कब रहेगा भैया जब लगेगा कि बड़ाई हो रहा है लेकिन हो रहा है आखिर में निंदा और जब लगेगा कि यहाँ पर हिनाई हो रहा है और निंदा हो रहा है और रहेगा स्तुति तो यहाँ पर ब्याज स्तुति यानी बी राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास हमारा वीडियो पसंद आएगा ये आपको मॉक टेस्ट या फिर कहेंगे कि प्रीवियस ईयर आपको पसंद आएगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा और आगे आने वाले मॉक टेस्ट का इंतजार कीजिएगा जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो सके अच्छे से देख के जाइए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाइए हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद